नाम अला रखे गोपांग है। 2002 में मैंने ज़मीन खरीदी थी अपने बेटों के नाम से, मिस्मात समी और शेर खान भुगड़ी से 155 एकड़, समझे ना। वो चलती रही 16 एकड़ 17 जो है उनके पास, 15 एकड़ उनके पास रह गए थे, कब्जा नहीं मिला। जो मैंने जाके कोर्ट में दावा दाखिल किया, वो दावा दाखिल मुझे फैसला भी मिला है कि वो ज़मीन मुझे मिली किसी सियासी के कहने पे, जो है वो नहीं दिया, कब्ज़ा नहीं दिया, वो मेरी रिटें विटें सारी रह गई और मेरे ऊपर केस दाखिल करवाया है। पुलिस खड़ी है, पुलिस चारों तरफ जमीन को खड़ी है, तुम जाके अपने आँखों से देख लो। जमीन चाहिए हमारे को, जमीन चाहिए हमारा, हमारा हक है, हमारी जमीन है, हम जाते हैं हमारे एफ आई आर कलीम वल्लद अला रखे 2002 में और 2007 में जमीन हमने खरीदी, कागजात है उसमें से 14 एकड़ 15 जो है उनके कुछ वो बने हुए थे, उसका कब्जा हमें नहीं मिला, बाकी मिल गया। हमने कोर्ट में किया केस, वो भी हमने जीता है। जैसा हमने अभी भी निकाला कि पुलिस रेंजर्स वुमेन पुलिस सब लिखी कि खाली करवा के दो, अभी इनको ये बात जो है थोड़ी मुश्किल, फिर अभी हमसे 2 FIR काटी है झूठी, अभी कल से हमारा गन्ना काट रहा है, इसीलिए कि आए तो हम पे इन पे दूसरी FIR बनाए, ठीक है। उन लोगों के जो गन्ना काट रहे हैं वो ये पुलिस और शेर खान का फोटो आ रहा है नज़र, जिससे हमने खरीदी है वो ही है, और उसका भाई है गुलाम हुसैन, कुछ फिर और भी लोग होंगे, पर हम वजह तो वही बता सकते हैं ना। हमारे पास ये सत्तू फार्म भी है, रजिस्ट्री है, बुके है, फाइल है। हमारा मुतालबा ये, हमारे से ज़बरदस्ती करके हमें झूठे केस लगा के FIR काट के हमें ऐसा कर रहे कि ये अपनी ज़मीन पे नहीं आए, हम जाने हमारा काम जाने, वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो हमारे को बोले नहीं कि ये जगह खाली करके हमें दो, प्रेशर दे रहे हैं बस। या सियासतदानों की मर्जी है कि ये कमज़ोर हो जाए, जेलों में चले जाए, हम जमीन फिर पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, अभी वो ही बता सकते हैं।